हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को ट्रिक से निकालने की मेथड देखेंगे। आप लोगों को वीडियो में एक ड्राइंग दिख रही है जो कि राइट हैंड के फिंगर्स की ड्राइंग है। यह है आपका थंब, यह है आपका इंडेक्स फिंगर, यह है आपका मिडिल फिंगर, यह है आपका रिंग फिंगर और यह है पिंकल। इन सभी फिंगर्स में मैंने थीटा की वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे कि थंब में लिखा है 0, इंडेक्स फिंगर में 30, मिडिल फिंगर में 45, रिंग फिंगर में 60 और पिंकल में 90। हम सिर्फ ट्रिक के माध्यम से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालने की ट्रिक देखेंगे, बाकी आप अपने आप निकाल लेंगे। वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन और कॉस। हमें वैल्यू निकालने के लिए दो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़, जब भी हम साइन की वैल्यूज़ निकालेंगे तब हम हमेशा फिंगर्स के लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। जब भी हम साइन की बात करेंगे तब, और जब भी हम कॉस की वैल्यूज़ निकालने की बात करेंगे तब हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। जब भी हम कॉस की वैल्यूज़ को निकालने की बात करेंगे। दूसरी चीज़, जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम न्यूमरेटर में हमेशा रूट लगाएंगे और डिनोमिनेटर में हम हमेशा 2 लिखेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम न्यूमरेटर में हमेशा रूट लगाएंगे और डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे। अब ये रूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए एग्ज़ाम्पल के लिए हम साइन 30 की वैल्यू ट्रिक के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। साइन 30, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। अब 30 लिखा है इंडेक्स फिंगर में, अब उसके पीछे की जितनी भी वैल्यू है हम उसे भूल जाएंगे, हमें सिर्फ उसके आगे की वैल्यू देखना है। अब साइन 30 के आगे कितनी ही फिंगर हैं, 1, तो हमने न्यूमरेटर में लिख लिया 1, और मैंने आपको कहा था न्यूमरेटर में हमेशा रूट लगाना है और डिनोमिनेटर में हमेशा 2 लिखना है। अब रूट 1/2 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। बस यही है हमारा साइन 30 की वैल्यू 1/2। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कॉस 30 का। मैंने कहा था जब भी हम कॉस की वैल्यू देखेंगे तब हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो अब 30 के पीछे की वैल्यू, पीछे कितनी फिंगर्स हैं ये अब हमें ध्यान नहीं रखना है, अब हमें सिर्फ आगे की वैल्यूज पर ध्यान रखना है। तो 30 के आगे कितनी फिंगर्स हैं, 3, तो 1 2 3, 3 है। बस मैंने न्यूमरेटर में 3 लिख दिया और मैंने कहा था कि न्यूमरेटर में हमेशा रूट लगाना है और डिनोमिनेटर में हमेशा 2 लिखना है। बस कॉस 30 की वैल्यू आगे कितनी, √3/2। अब थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं कॉस 0 का। मैंने आपको कहा था कि जब भी हम कॉस की वैल्यू देखेंगे तब हम हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो अब 0 के पीछे कितने फिंगर्स हैं, 1 भी नहीं है। 0 के आगे कितने फिंगर्स हैं, 4, तो हम न्यूमरेटर में कितने लिख लेंगे, 4। और मैंने आपको कहा था कि हमेशा रूट लगाना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखना है, 2। तो √4/2, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, डिनोमिनेटर में 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसी तरीके से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे कि आप बोलो 10 30, तो हमें पता है 10 30 क्या होता है, तो हमें पता है 10 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 30 इक्वल्स टू sin 30/cos 30। तो हम वैल्यू बस पुट कर देंगे, sin 30 1/2 cos 30 √3/2, सब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी लास्ट में 1/√3। इसी तरीके से आप सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं इसी ट्रिक से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मैं आपको वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।